सो गर्ल्स आई एम स्टार्टिंग विद अवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ डिफरेंशिएशन. सो डिफरेंशिएशन होता क्या है, एज इफ वाई इज़ एनी फंक्शन ऑफ एक्स. ये क्या मतलब है इसका, जैसे हम कुछ भी लिखते हैं, वाई को एक्स को लिखा, साइन एक्स लिखा या कुछ भी, एनी थिंग. सो दैट मीन्स वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स. इट इज़ रिटन एज वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स. नाउ सी, अब अगर एक्स की वैल्यू मैं चेंज करूँगी, इफ़ देर इज स्लाइट चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, so value of y will also increase, it will also change, not increase, change, because this is delta x, this is written as delta x. इसका मतलब क्या है कि x में मैंने this is the value of, this is f of x and this is f of x plus delta x, that is there is change in the value of x. सपोज करो पहले x की वैल्यू थी 2 और अब मैंने x की वैल्यू ले ली 2.01. सो मैंने 2 प्लस 0.01 किया, सो दिस इज़ द स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x. तो जब मैं x की वैल्यू ऐसे चेंज करूँगी तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू भी चेंज होगी. यस, सो दिस चेंज इन वैल्यू डेल्टा y कैन बी फाउंड बाय, इसको माइनस y को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और ये y की वैल्यू मैंने f ऑफ x पुट कर दिया. सो नाउ द रेशो of the change in value of y with respect to the change in the value of x is will be given by this, and this ratio as delta x approaches to 0. So delta x approaches to 0 का मतलब ये है कि जो हमने change in value of x किया है that is very 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 small. So delta x is approaching to 0. Delta y over delta x is known as dy by dx, that is the derivative of y, and this process is known as differentiation. So dy by dx is given by limit delta x approaches to 0 f of x plus delta x minus f of x over delta x. So is method se bhi hum derivatives find karte hain, and usko bolte hain to find derivative by using definition. By using definition or by first principle भी बोलते हैं इसको. सो क्या करना होता है, सपोज करो मुझे y x cube गिवन था, तो y प्लस डेल्टा y जब करेंगे तो x की जगह x प्लस डेल्टा x आ गया, उसकी पूरे की होल क्यूब हो गई. सो डेल्टा y की वैल्यू क्या हो गई, इसको y को उधर ले गए और y की वैल्यू x क्यूब पुट कर दी. सो ये डेल्टा y आ गया. नाउ इसमें ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ किया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब. ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, तो आपके पास बाकी जितनी टर्म्स बची थी उसमें से देखो डेल्टा एक्स आपका कॉमन आ रहा है, तो ये बन रहा है डेल्टा एक्स की स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू डेल्टा एक्स. नाउ ये डेल्टा एक्स को नीचे ले जाएंगे एंड लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0. सो ये मेरे पास बन जाता है dy वाई बाय डी एक्स. यहाँ पर देखो जब इसको उधर ले गए और डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 किया तो ये वाली टर्म, ये ऐसे कैसे लिखा है, नाउ दिस टर्म इज 0 एंड दिस टर्म इज 0, सो दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विद 3x स्क्वायर. सो इफ़ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब तो उसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 3x स्क्वायर. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x square plus 5x plus 3. So you have to differentiate using AB initio method भी बोलते हैं इसको. तो y ये था, तो y plus delta y क्या हो जाएगा, x की जगह x plus delta x. आप delta ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है, और जो मैंने आपको सिंबल बताया था वो भी ठीक है, दोनों में से जैसे मर्जी लिख सकते हो. सो x plus delta x आ जाएगा, x plus delta x की होल स्क्वायर plus 5 times x plus delta x plus 3. सो अब क्या किया है, यहाँ पे ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 5x प्लस 5 डेल्टा x प्लस 3, और इसको सॉल्व कर लिया इन्होंने, और ये सॉल्व करके y प्लस डेल्टा y की वैल्यू आ गई. सो अब डेल्टा y कैसे आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके. तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू आर लेफ्ट विद दिस. नाउ डेल्टा x कॉमन लेके, और यू कैन से डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x. सो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स विल बी 2 टाइम्स डेल्टा एक्स. अच्छा ये अभी इन्होंने किया नहीं, यहाँ पे डेल्टा एक्स लिखा है. सो जब आप डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास बचेगा 2 टाइम्स डेल्टा एक्स प्लस 4x प्लस 5. सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0. सो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे डेल्टा एक्स 0, सिर्फ ये टर्म बनी, 4x प्लस 5 इज़ द आंसर.
ऐसे ही नेक्स्ट है ए बी इनिशियो मेथड भी बोलते हैं इसको. इफ़ वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई विल बी अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स. सो डेल्टा वाई इन दोनों का डिफरेंस. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा जब भी अंडर रूट है तो रैशनलाइज करना पड़ता है. रैशनलाइज करने का मतलब होता है बीच वाले साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. सो ये बीच वाले साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. उसके बाद आप देख रहे हो x से x कैंसिल हो गया तो ये बचा. अब ये डेल्टा x को उधर ले जाएंगे एंड लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो. सो ये बन गया लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो. जब करेंगे तो सिर्फ यही वाली टर्म ज़ीरो है तो आई एम गेटिंग वन ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स दैट इज़ वन ओवर टू अंडर रूट एक्स एंड दिस इज द आंसर. सिमिलरली नेक्स्ट इफ़ वाई इज इक्वल टू वन बाई अंडर रूट एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई विल बी वन ओवर अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स. सो डेल्टा वाई विल बी इन दोनों का डिफरेंस. अब यहाँ पे पहले एलसीएम लिया, एलसीएम लेके वही रैशनलाइज कर दिया. रैशनलाइज करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है. फिर डेल्टा एक्स को उधर ले गए सो वी आर लेफ्ट विद दिस नाउ. नाउ एज लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो यहाँ पे जीरो हो जाएगा और यहाँ पे जीरो हो जाएगा. सो यू आर लेफ्ट विद अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स दैट इज़ एक्स बन गया इंटू टू अंडर रूट एक्स दैट इज़ माइनस वन बाई टू. एक्स की पावर कितनी आ गई वन और वन बाई टू प्लस करेंगे तो थ्री बाई टू. सो सेम है ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल वही किया है. पहले एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स से फिर इन्होंने यहाँ पे ए एक्स प्लस बी को कंबाइन करके ए डेल्टा एक्स को अलग कर दिया. अब डेल्टा वाई की वैल्यू निकाली दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करके इसको सॉल्व करने के लिए जब भी हमें अंडर रूट दिखता है तो हम हमेशा रैशनलाइज करते हैं. सो ये रैशनलाइज कर दिया. रैशनलाइज करने से ऊपर फॉर्मूला बन जाता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का. सो ये लेफ्ट बाकी के आंसर हो रही होंगी टर्म्स. सो डेल्टा एक्स से डिवाइड करके ईजिली यू विल गेट द आंसर. नेक्स्ट है आपके पास रैशनल फंक्शन 2x माइनस वन ओवर 3x प्लस टू. सो अब ये सारी प्रैक्टिस है आपकी. देखो x को x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस किया फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डेल्टा y की वैल्यू फाइंड की. दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डेल्टा y की वैल्यू जब फाइंड की ये LCM निकाला यहाँ पे. यस LCM लेने से दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस किया है. फिर आप इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देखना आपके पास यही बचेगा सिर्फ. आप डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दोगे एंड लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो जब करोगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. सो ये एक्सरसाइज है. यू कैन ट्राई क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक आल्सो और यू कैन ट्राई दिस एक्सरसाइज. ओके सो यहाँ पे यहाँ पे दे आर सेइंग ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप एलसीएम लेके इकट्ठे भी कर सकते हो और आप इसको अलग से और इसको अलग से भी कर सकते हो. नहीं तो आप ऐसे भी प्रोसीड करके देखना इसको हो जाएगा. नहीं होगा तो यू कैन आस्क मी. सो नेक्स्ट देखो लेट वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन. सो इसको डिफरेंशिएट करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. तो वाई प्लस डेल्टा वाई क्या हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू पावर एन. सो यू कैन सी यहाँ पे अब उन्होंने वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू पावर एन माइनस एक्स रेज टू पावर एन कर दिया. सो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डेल्टा वाई की वैल्यू जब फाइंड की है सो व्हाट दे हैव डन एक्स रेज टू पावर एन को कॉमन ले लिया है तो ये बन गया एक्स रेज टू पावर एन इंटू वन प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स रेज टू पावर एन माइनस एक्स रेज टू पावर एन. एंड फिर उन्होंने पूरे दोनों टर्म्स में से एक्स रेज टू पावर एन को कॉमन ले लिया. सो नेक्स्ट स्टेप में दे हैव यूज द बाइनोमियल थ्योरम टू एक्सपेंड वन प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स रेज टू पावर एन. सो बाइनोमियल थ्योरम आई होप आपको आती है. नहीं आती है तो मैं ये एग्जाम्पल डिस्कस करने के बाद आपको एक बार बता देती हूँ बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है. सो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा के वन प्लस एन टाइम्स डेल्टा एक्स बाय एक्स. ओके आप देख लेना बाइनोमियल थ्योरम कैसे लगाई है. उसके बाद वन से वन कैंसिल हो गया. वन के साथ वन कैंसिल करने के बाद आपके पास डेल्टा एक्स जो है वो कॉमन आएगा.
सारी टर्म्स में से। तो आप देखोगे सिर्फ फर्स्ट टर्म है, इसमें जो सेकंड टर्म है उसमें डेल्टा एक्स बाय एक्स की स्क्वायर होना था। सो ये देखो, ये आपकी बाइनोमियल थ्योरम होती है, 1 + x^n इज इक्वल टू 1 + nx, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस। अब आप क्या करोगे, n एज इट इज़, साथ में इसमें से -1, इसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी x^2। फिर n(n-1) एज इट इज़, साथ में n-2 आ गया, इसकी पावर इंक्रीज होगी स्क्वायर से q/3 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और ये बाइनोमियल थ्योरम एप्लीकेबल होती है इफ़ मॉड x इज़ लेस देन इक्वल टू 1, दैट मीन्स ये जो x है इसकी वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए। सो यहाँ पे क्योंकि डेल्टा x आपका बहुत स्मॉल है ऑलरेडी, और आपने उसको फिर एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो नंबर होता है ये बहुत स्मॉल ही होता है आपका। सो बाइनोमियल थ्योरम इज एप्लीकेबल। सो 1 + n टाइम्स डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस n(n-1/2) डेल्टा एक्स बाई एक्स की होल स्क्वायर, ऐसे ही क्यूब वाली टर्म प्लस एंड सो ऑन। अब -1 था तो -1 इधर ले आओ या उसको कैंसिल कर दो, एक ही बात है। तो ये बाकी टर्म्स बची, और बाकी टर्म्स में से देखो डेल्टा एक्स आपका कॉमन आ रहा है। सो डेल्टा एक्स जब आप कॉमन लोगे, ये बनेगा n/x प्लस n(n-1/2), यहाँ पे एक डेल्टा एक्स बचा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस पूरी टर्म एज इट इज़, यहाँ पे डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो इसका मतलब बाकी सारी टर्म्स में डेल्टा एक्स की पावर्स इंक्रीज होती जाएंगी। तो अब जब मैं डेल्टा एक्स को उधर लेके और फिर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो करूँगी, तो सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी एक्सेप्ट दिस। सो यही स्टेप उन्होंने किया है, सी इसी स्टेप को उन्होंने लिख दिया n/x प्लस टर्म्स कंटेनिंग डेल्टा एक्स एंड इट्स हायर पावर्स। सो अब जब आप डेल्टा एक्स को उधर ले गए, तो ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, एंड व्हेन डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो, तो ये सारी टर्म्स जीरो होके यू आर लेफ्ट विद x^n इंटू n/x, और dy/dx इज इक्वल टू n टाइम्स ये x ऊपर आके x^n - 1। यहाँ पे एक गलती थी, यहाँ पे आना था स्क्वायर। ओके, ये क्या किया इन्होंने, यहाँ पे आना था प्लस एंड सो ऑन। सो योर आंसर इज n(x)n-1। सेम ऐसे ही है नेक्स्ट, ax+b^n y+Δy के लिए ये बन गया, इनको सब्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ पे ax+b^n को कॉमन ले लिया इस ब्रैकेट में से, तो ये बचा। फिर थ्रू आउट कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे इस वाली के लिए -1 आ जाएगा। यहाँ पे लगा दी बाइनोमियल थ्योरम। सो बाइनोमियल थ्योरम लगा के अगेन 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, बाकी सारी टर्म्स में से जब आप डेल्टा एक्स कॉमन लोगे तो सिर्फ फर्स्ट टर्म रह जाएगी जिसमें डेल्टा एक्स नहीं है, बाकी सब में डेल्टा एक्स आएगा। सो दैट जब हम डेल्टा एक्स को जीरो पुट करेंगे, तो आप करके देखना इसको अपने हाथ से, दिस विल बी योर आंसर। सो ये जो आपने दोनों किए हैं, ये आपको रिजल्ट भी याद रखना है कि जब भी हम x^n का डेरिवेटिव करते हैं तो आंसर इज nx^n-1, और जब हम ax+b^n का डेरिवेटिव करते हैं तो आंसर इज देखो वही सेम है, n टाइम्स ax+b^n-1, बट साथ में x का कोफिशियंट भी आ जाता है। सो n टाइम्स ax+b^n-1 इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स, दैट इज ए। ऐसे ही अब इन्होंने किया है a^x को यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। सो a^x y+Δy विल बी a^x+Δx। सो डेल्टा वाई में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, इसको मैं a^x इंटू a^Δx लिख सकती हूँ। सो a^x कॉमन ये रह गया, आप डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है एंड डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो। तो ये हमारे पास ये रिजल्ट होता है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो a^(Δx-1/Δx) इज इक्वल टू log a। तो ये रिजल्ट डायरेक्टली यहाँ यूज़ हुआ है, आपको पता है तो गुड, नहीं पता है तो आप याद कर लो, ये यूज़ होगा। ऐसे ही जब e^x का करते हैं, तो अब ये आपको रिजल्ट याद रखना है, दैट डेरिवेटिव ऑफ a^x इज a^x log a। तो वो बोल रहे हैं अगर a की जगह e होता तो e^x log e हो जाता, और log e हमेशा 1 होता है। सो डेरिवेटिव ऑफ e^x इज e^x ओनली, इसका डेरिवेटिव सेम ही रहता है। ओके, प्रूव दैट यही था। ओके, ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। सो ये रिजल्ट आपने याद रखने हैं, ये क्वेश्चंस आप करके देख लेना एक बार।
सो डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1/x. देन अगेन ये फर्स्ट प्रिंसिपल के कुछ और क्वेश्चंस किए हुए हैं उन्होंने, सो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम हेयर. यूजिंग ए बी इनिशियो मेथड बोलते हैं या फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं इसको. सो ये एक्सरसाइज बी तक आपने करना है एंड रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट. सो इसमें मेरा कराने वाला सिर्फ फॉर्मूला ही है, अब आगे जो हम डिफरेंशिएशन का चैप्टर करेंगे. सो बाकी जो प्रैक्टिस है वो आपको ही करनी है मैक्सिमम क्वेश्चंस की. जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको फॉर्मूलेज लर्न भी हो जाएंगे एंड कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा.